हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेंस। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को भी खिला सकते हैं आप, बड़े बूढ़े जवान जो कोई भी खाएगा ना, ये फ़ायदा ही करेगी और बहुत ही बेहतरीन सी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं और फटाफट से ऑफिस जाना चाहते हैं एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेके, तो आपका दिन भर के लिए एक मूड तो ये बना ही देगी, काम करने का स्टेमिना भी बढ़ा देगी और फ़ायदेमंद भी रहेगी, आपके पेट को भी भरा रखेगी और साथ ही साथ बनाने में बहुत ही झटपट और क्विक है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी और इस रेसिपी के साथ मेरी एक छोटी सी स्टोरी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जो भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मेरी मम्मी की रेसिपी होती है, तो जाहिर सी बात है ये भी मेरी मम्मी की ही रेसिपी है, वन ऑफ द। और तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। मेयोनीज़ की रेसिपी आपको मेरी चैनल पर बहुत आराम से मिल जाएगी, आप उसको, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। बटर चाहिए हमें, मेयोनीज चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, वाइट पेपर पाउडर चाहिए, सॉल्ट चाहिए एज़ पर टेस्ट, वाइट ब्रेड चाहिए, इनके बॉर्डर्स हम कट कर लेंगे ब्राउन एरियाज़ को, और कुछ वेजीज़ चाहिए। और जो भी वेजीज़ मैंने ली हैं, आप चाहें तो फाइनली चॉप्ड ले सकते हैं, बट मैंने ग्रेटेड ली क्योंकि मुझे ग्रेटेड पसंद है। तो ग्रेटेड कुकम्बर, ग्रेटेड टोमेटो, ग्रेटेड कैप्सिकम, ग्रेटेड अनियन और ग्रेटेड कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं और मैं अपनी छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड और बटर का काम हमें बाद में है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे वेजीज, पत्ता गोभी, आनियन। आप वेजीज़ आपकी जो भी फेवरेट हैं उन्हें मिक्स करना चाहें तो उन्हें भी ले सकते हैं, इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो ज़्यादा पसंद है उसे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो कम पसंद है उसे कम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी सारी वेजीज़ ले ली हैं। तो वेजीज़ में अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट ऐड करना है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज। ट्राई टू टेक अनदर स्पून फॉर मेयोनीज, सेम स्पून से हम इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए कितना लाजवाब सा मेयोनीज है, इसे हम 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो मेयोनीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब लगती है ये सैंडविच। फाइनली चॉप्ड करके डालेंगे तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, ग्रेटेड डालेंगे तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ग्रेट किया हुआ है, क्योंकि कच्ची सब्जियाँ बच्चे थोड़ा उतना ईजिली नहीं चबा पाते और जल्दी पसंद भी नहीं करते हैं खाना, तो एक बार खाएंगे फिर मना कर देंगे। तो बेटर है कि हम पहली बार में ही इस तरह बनाएं कि बच्चे इसे आराम से खाना पसंद करें, तो मैं ग्रेट करके ही डालना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो बहुत रनिंग सा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये ब्रेड लेनी है, इनके स्लाइसेस को कट कर लेना है। तो इनके साइड्स को हम कैसे कट करेंगे, ये देखिए बहुत आराम से ये कट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि ब्रेड का शेप ना बिगड़े, ब्रेड ना टूटे, क्योंकि ताज़ी ब्रेड काटना थोड़ा सा कठिन होता है। ताज़ा ही लें सब कुछ, बच्चों को अच्छी खासी आप टिफ़िन रेसिपीज़ में दे सकते हैं, बहुत फटाफट से बन जाने वाला है ये। ये देखिए इस तरह से हम इसके साइड्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी ब्रेड्स के साइड्स अच्छे से कट कर लिए हैं। अब ये जो कॉर्नर्स बचते हैं इन्हें आप ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, लेकिन मैं बस एक बात कहूँगी कि अगर जिस तरीके से आप ऐसे ही डायरेक्ट मिक्सर में ब्लेंड करके आप इसे, मतलब हम ग्राइंड करके अगर आप दरदरा सा पाउडर बनाते हैं तो भी ठीक है, बट वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता है।
इसको अगर आप रोस्ट करके तवे पे तब ग्राइंड करेंगे तो ये काफ़ी दिन तक स्टोरेबल होता है ये आपका ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम इसे तवे पे सेकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ये बोल दिया धोखे से कि अभी हम इसे तवे पे सेकेंगे। इसे सेकना नहीं, आप चाहें तो सेक सकते हैं, बट मैं इसे नहीं सेकती हूँ, तो मैं जिस तरह खाती हूँ मैं उस तरह आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इसे फ़िलहाल बिना सेके बनाऊँगी। तो ये है इस तरीके से, थोड़ा मेल्टेड बटर लें जिससे ईजिली स्प्रेड हो जाए ब्रेड पे। ये देखिए, आप अगर स्पून से स्प्रेड कर सकें, स्प्रेडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से नाइफ से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो दो ब्रेड हम इसमें लेंगे, उनके बीच में हमें स्टफ़ करना है, तो दोनों ब्रेड पे हम बटर अच्छे से लगा लेंगे। मैं थोड़ा थिक लगाना पसंद करती हूँ, ब्रेड ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से बटर अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, बट ये देखिए ऐसे आपको अच्छे से स्प्रेड ज़रूर करना है। तो ये देखिए, एक ब्रेड है ली और उस पर हमने बटर स्प्रेड किया। अब अनदर ब्रेड लेंगे, इस पर भी स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। जितना अच्छे से बटर लगा होगा तो टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है इससे, और देखिएगा आप कैसे ये मतलब इतनी हेल्दी बनती जा रही है रेसिपी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने ब्रेड को स्प्रेड कर लिया। तो ये देखिए, हमने दोनों स्लाइसेस पे इस तरीके से बटर स्प्रेड कर लिया है। अब हम ये मिक्सचर इसमें इस तरह से रखेंगे, बस इतना ही रखना है हमें, बिल्कुल जस्ट बाहर ना जाए। और ये आप चाहें तो इसे ट्रायंगल्स में कट कर सकते हैं। और ये देखिए, आपकी मेयोनीज सैंडविच बनके तैयार है, बिल्कुल गिर नहीं रही है, बाय चांस गिर जाए तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा साइड कर सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन सी, स्वादिष्ट सी और डिलीशियस, फ़ायदेमंद सी हमारी मेयोनीज सैंडविच बिल्कुल बनके तैयार है। तो मेरी स्टोरी जो छोटी सी थी वो ये थी कि मेरे को मेयोनीज सैंडविच मैंने एक जगह से खाई, ब्रेड्स करके एक शोरूम है हमारे जहाँ पे मेरा मतलब मायका है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे खाई और हुआ ये कि मुझे उसका लग गया चस्का। फिर मैं जब भी कोचिंग जाती थी तो मैं ज़रूर खाती थी, पर मुझे बहुत कॉस्टली पड़ती थी क्योंकि पॉकेट मनी इतनी मिलती नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी। तो फाइनली ना मैंने अपनी मम्मी को बताया और मेरी मम्मी ने बोला कि तुम रोज़ उसके चक्कर में इतने किलोमीटर स्कूटी चला करके जाती हो, तो चलो मैं तुम्हें इसे घर पर ही बना के खिलाती हूँ, एक बार घर पर पैक करके लेके आना और देखते हैं उसमें क्या क्या पड़ता है, फिर मैं बना के खिलाती हूँ। तो मम्मी ने उसको, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे, उसका टेस्ट देखा और सेम टू सेम मार्केट वाली मेयोनीज सैंडविच बना के उन्होंने मुझे खिलाया। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट में बनती है हमारी मेयोनीज सैंडविच। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़े बुज़ुर्ग, यंगस्टर्स, बच्चे, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत अच्छी है और लंच बॉक्स रेसिपी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, इसके अंदर इस तरह से ये हमारी फिलिंग है और ये हमारी सैंडविच है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आने का कोई डाउट ही नहीं है, वीडियो पसंद आएगा ही आएगा जब एक बार आप इसको बना के सेम प्रोसीजर से ट्राई करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बेल आइकन हिट कीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए और मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ये रेसिपी एक बार बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।